से आना कहानी जो हम और आप यहाँ करते हैं ना, वो समय किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो कितना बड़ा गरीब हो, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, चाहे बलवान हो और चाहे दुर्बल हो, वहाँ पर किसी की चलती नहीं है। आजकल के जो जवान अवस्था में लड़के ऐठे ऐठे घूम रहे हैं मोबाइल लेकर के हाथों में, सोच रहे हैं भैया हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। लेकिन याद रखना भैया बुढ़ापा सभी के पीछे लगा हुआ है, तैयार खड़ा है, इसलिए सोचो और कहना है आगे। वो हमें ही खाना पड़ेगा और आपके लिए आएगा तो आपको खाना पड़ेगा। जब जाएंगे हम देखिए बेटा अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है और माँ बेटे को बहुत प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, जब बेटा खत्म होता है तो रोती है, बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तू छोड़ करके चला गया। पत्नी के साथ साथ भागने पड़ती है, पत्नी रोती है, हे बिया अब मुझे कौन इस घर में प्रेम देगा, कैसे मैं रहूंगी, अब मुझे किसका सहारा मिलेगा। बेटा रोता है, पिताजी अब मेरे बिना, तुम्हारे बिना मेरा इस संसार में है, सब रोते हैं, कोई जाती नहीं जाता, अकेले ही जाना पड़ता है, कहना है क्या। इसलिए कहना है क्या, अरे छूटी जाए मैया और भैया, सभी रिश्तेदार परिवार वाले सब यहीं पर रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, इसलिए सभी से कहना है, ग्रामवासी व क्षेत्रवासी